पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की फातिहाना वापसी की राह में ना अदलिया ने रुकावट डाली ना इंतजामिया मजाहम हुई। इससे इस्टेब्लिशमेंट के एतराफ़ का इजहार होता है कि 2017 में अदालती शबखून के जरिए उन्हें ओहदे से हटाना एक गलती थी। उनकी जिला वतनी से वापसी ये भी जाहिर करती है कि सियासी इंजीनियरिंग के जरिए पाकिस्तान के पेचीदा मसाइल हल करना कारे ला हासिल है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर लिखारी और साबिक पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी ने अपने ताज़ा सियासी तजिये में किया है। हुसैन हक्कानी का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान बेपनाह मुश्किलात झेली हैं और इसी तरह मुल्क भी मसाइब के खारजारों से गुजरा है। रियासती इदारे जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाल कर नया सियासी निज़ाम कायम करने की कोशिश की थी, अब वही उन्हें मरकजी स्टेज पर वापस आने की सहूलत फराहम कर रहे हैं। बेशक उनके पास ऐसा करने की एक फौरी वजह हालिया दिनों में अपनी एक मुश्किल को साइडलाइन करना है, लेकिन अगर वो गुज़िश्ता 35 बरसों के सियासी भौचाल से कोई वसीतर सबक सीखना चाहें तो इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि मकबूल आम सियासतदानों को इस तरह मन मर्जी से सियासी मंजरनामे से नहीं हटाया जा सकता। हुसैन हक्कानी के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो को 1990 में इख्तदार से हटाकर नवाज शरीफ को लाया गया, लेकिन फिर 1993 में इन्हें हटाकर दोबारा बेनज़ीर भुट्टो को लाना पड़ा। इसके बाद 1996 में बेनज़ीर को हटाया गया तो 1997 में एक बार फिर नवाज शरीफ इख्तदार में आ गए। इस्टेब्लिशमेंट ने 1999 में मुशर्रफ की फौजी बगावत को इस मसले के देरपा हल के तौर पर देखा जो दोनों लीडरों को बारी बारी मौका देने से पैदा हुआ था, लेकिन 2007 में परवेज मुशर्रफ को बेनज़ीर भुट्टो के साथ मुफाहमत करना पड़ी और आखिरकार वो और नवाज शरीफ दोनों सियासी मैदान में वापस आ गए। फिर बेनज़ीर भुट्टो के अलमनाक कत्ल के बाद आसिफ जरदारी का इख्तदार में आना और उनके और नवाज शरीफ के दरमियान एतमाद का फुकदान मुफाहमती अमल की खराबी का बाइस बना और ये सूरत हाल इस्टेब्लिशमेंट के लिए सूदमंद थी। इस दौरान एक तीसरी सियासी क़ुव्वत पैदा हुई जिससे तवक्को की जा रही थी कि वो मकबूल आम सियासत के जरिए इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को पूरा करेगी। आज एक बार फिर कौमी मफाहमत की किसी भी कोशिश को सियासी अमल पर यकीन न रखने वाले सबूताश कर देंगे। हुसैन हक्कानी के मुताबिक नवाज शरीफ जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट सबको खबरदार करने की ज़रूरत है। जिस मकबूल लीडर को उन्होंने इस वक्त घेर रखा है वो हमेशा के लिए घिरा नहीं रहेगा। किसी भी हकीकी मुफाहमत के अमल के लिए उन अफराद को शामिल करना होगा जो इस वक्त कैद में हैं। इन्हें सियासी अमल से निकाल दिया गया है और उनके सर पर नाहली की तलवार लटक रही है। हुसैन हक्कानी का मजीद कहना है कि तवील करियर रखने वाले पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह नवाज शरीफ की सियासी इनिंग में उतार चढ़ाव, समझौते और तनाजात और गलतियां और कामयाबियां शामिल हैं, लेकिन जब से वो 1990 में पहली बार वजीर आजम बने उनके पेश नज़र 3 मुस्तकिल मौजूआत रहे। ये अलग बात है कि उन पर पॉलिसी के मुताबिक कारबंद ना रहा जा सका या फिर इन अहदाफ को आरजी अवामी मकबूलियत की भेंट चढ़ा दिया गया। सबसे पहला, नवाज शरीफ ने हमेशा इक्तिसादी तरक्की की जरूरत और मार्केट इकोनॉमिक्स की अहमियत पर तवज्जो मरकूज की है। दूसरा, पाकिस्तान के हमसायों बशमूल भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात की जरूरत पर जोर दिया है। तीसरा, उन्होंने पॉलिसी साजी में बालादस्ती के सिविलियन के इस्तेहकाक पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई की है। ये सब पाकिस्तान को मौजूदा संगीन बुरान से निकालने में मदद दे सकते हैं। हुसैन हक्कानी के बकौल पॉलिसी के मैदान में तब्दीलियों के साथ साथ सियासी दर्जे हरारत को कम करने और कुतबी रवैयों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ की मुफाहमती तकरीर इस सिमत में पहला अहम कदम था, लेकिन मुफाहमत के लिए तमाम फरीकों की रजामंदी ज़रूरी है। अगर कोई ये समझता है कि सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना और वार करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना एक बेहतर हिकमत अमली है तो हम पाकिस्तान की हालिया तारीख के बाब का एक मरतबा फिर इहादा देखेंगे। हो सकता है कि कहानी ज़रा मुख्तलिफ हो और किरदार बदल जाएँ। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।